हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, और हम बना रहे हैं फर्स्ट एड की कम्प्लीट सीरीज, जिसमें हम अलग अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने कुछ ऐसे ही टॉपिक कवर करे हैं जो आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बर्न, जनरल बर्न और सीवियर बर्न के दो अलग टाइप। वैसे 4 डिग्री ऑफ बर्न पाए जाते हैं, पर हम बात करेंगे सीवियर और जनरल के केस में। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं बर्न के बारे में, आइए चले देखते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्न होता क्या है। बर्न होता है टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर किसी भी चीज में हो सकता है, सन की वजह से, फ्लेम की वजह से, केमिकल्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब बर्न दो तरीके से आपको देखने को मिलता है, ड्राई बर्न जिसे हम बर्न बोलते हैं, और एक होता है स्कॉल्ड जो वेट बर्न होता है। किसी भी ठंडी चीज से ज़्यादा रहने में, कॉन्टैक्ट में रहने से आपको ये देखने को मिलता है। अब अगर आपको ये हुआ है तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। पहले आपको मिलेगा सुपरफिशियल रेडनेस, लाल पड़ जाएगा वो एरिया, साथ साथ आपको जलन और दर्द जैसी चीज़ें दिख रही होंगी। उसके साथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लिस्टर्स मतलब छाला जैसा निकल ही आएगा ऊपर। उसके साथ साथ एरिया ऑफ एक्सपोजर, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न की बात करूं तो एरिया ऑफ एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं होता है या फिर उतना सीवियर नहीं होता है। फिंगर पे हो गया है, हैंड पे हो गया है, नॉर्मल केस है। अब अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो आपको इस केस में करना क्या है। सबसे पहले रनिंग वाटर मतलब टैप वाटर जो होता है उसके अंदर अपने हाथ को डाल देंगे, हाथ फिंगर जहाँ पे भी हुआ है उसको डाल देंगे, पुट करके रखेंगे। अब टाइमिंग क्या है, फर्स्टली पहले बोला जाता है 10 मिनट के लिए, अब जो न्यू स्टडीज आई हैं उसमें बोला जाता है 20 मिनट्स के लिए रनिंग टैप वाटर में डाल के रखना है। किसी भी आइसिंग या फिर कोई भी आपने वैसलीन लगा ली, बटर लगा लिया, ऑयल लगा लिए, ऐसे सब्सटेंस यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल रनिंग वाटर में डालें। इसके बाद आपने अगर रिंग या फिर कोई भी टाइट क्लोथिंग पहन रखी है उस एरिया में तो उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर बर्न हुआ होता है तो स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, तो वो एरिया और ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर आपने कोई भी टाइट क्लोथिंग या रिंग पहनी हुई है। अब अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, कोई भी ब्लिस्टर या छाला जैसा बन गया है, पहली बात तो छाला फोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इन्फेक्शन के चांसेस क्रिएट कर सकता है। अब अगर वो फूट गया है खुद तो क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे माइल्ड सोप के साथ, उसके अलावा उसे ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। अब नेक्स्टली क्या करना है, नेक्स्टली आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो आते हैं वो यूज़ करने हैं, या फिर आप लोशन जो भी है, और रनिंग वाटर के बाद लोशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उस एरिया को कवर कर देंगे। अब अगर आपके पास गौज है या नॉन स्टिक कोई भी बैंडेज है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज प्लास्टिक बैग से उस एरिया को कवर कर सकते हैं। हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इन्फेक्शन या कोई भी एलर्जी ना हो उस एरिया पे जहाँ पे बर्न हुआ है। उसके साथ साथ आप पेन रिलीवर मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको फेस पे, हैंड्स पे या फिर बच्चे को, किसी को भी बर्न हुआ है तो सीरियस कंडीशन में आपको कॉल करना है एमरजेंसी नंबर पे, विच इज़ 102 एंड 112। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड एमरजेंसी केसेस सबको डील करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस मिल रहा है और उसको सीवियर बना के आ गए या और वर्स बना के आ गए, तो सबको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए अगर कोई भी एमरजेंसी केस है तो उसमें किस तरीके से डील करना है या टैकल करना है। अब अगर सीवियर बर्न है तो सीवियर बर्न में हमें किस तरीके से अलग डील करना है जनरल बर्न से। सीवियर बर्न बेसिकली 3rd और 4th degree बर्न को बोलते हैं, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस, इवन बोन एंड मसल की इन्वॉल्वमेंट तक भी हो जाती है। अब अगर सीवियर बर्न का केस है तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट 3A AAA को फॉलो करना है, विच इज ए फॉर असिस्ट। असिस्ट करें, देखें क्या वो अवेयर है। सेकेंड इज अलर्ट, अलर्ट रहें और कॉल करें एमरजेंसी नंबर पर तुरंत। थर्ड इज ABC, ABC मतलब एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करनी है, उसका रिस्पॉन्स लेवल मॉनिटर करना है कि कितना है, प्रॉपर ब्रीदिंग कर पा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। उसके बाद कोई भी टाइट क्लोथिंग, कोई भी ज्वेलरी अगर है तो उसको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके जॉइंट्स में, मेनली फिंगर और टोज, अगर फिंगर वाले एरिया पे कहीं पे हैंड पे हुआ है या फिर लेग में हुआ है तो आपको उसके जॉइंट्स में गैप बना देना है। सिंपल एक गौज, नॉन स्टिक गौज उसके बीच में लगा देंगे ताकि ये फिक्स ना हो, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ क्या करेंगे, उसको प्लास्टिक बैग या फिर आपके पास नॉन स्टिक
कोई भी गॉज अगर है उतने एरिया पे कवर करने के लिए तो वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज प्लास्टिक बैग अगर कोई भी है आसपास तो उससे उसको कवर कर देंगे। देखना वो प्लास्टिक बैग ऐसा इतना पतला और अजीब ना हो कि वो स्टिक हो सके, चिपक जाए उस स्किन पे और ज़्यादा वर्स कर दे उसकी कंडीशन को। प्लास्टिक बैग ऐसा होना चाहिए जो ईजिली कवर कर सके और इन्फेक्शन से बचा सके। इस केस में आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल तुरंत कर देना है, जैसे ही आपको ये केस दिखता है अलर्ट हो जाना है, कॉल कर देना है 102 एंड 112। अब ये हो गई इम्पॉर्टेंट बर्न के बारे में जो भी था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो जो रेड बटन है उसको जोर से ठोक दे, कैसे भी ठोक दे पर उसको ठोक दे और ग्रे कर दे उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।